जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के सदस्यों ने अध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में दिल्ली में किसान आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एडीसी मंडी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन भेजा। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से सवाल किया कि दिल्ली में किसान कड़कती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में 170 किसान शहीद हो चुके हैं, जिसका जिम्मेदार आखिर कौन है। वहीं प्रकाश चौधरी ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और जब तक किसान आंदोलन करेंगे कांग्रेस पार्टी उनका पूरी तरह से समर्थन करती रहेगी। मेमोरेंडम माननीय एडीसी साहब को भेज दिया, उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भिजाया जाए, एक गुजारिश हमने एडीसी महोदय से की। क्योंकि हिंदुस्तान में जो लगभग 70 दिनों से जो एजिटेशन किसानों का चल रहा है और भारतवर्ष की जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो अनसुना कर रही है, वो किसान के बारे में सोच नहीं रही। देखिए, किसान जब भरपूर ठंड थी उस ठंड में अपने बीवी बच्चों को बुजुर्गों को लेकर स्ट्राइक में बैठे थे और अपना रोष आदरणीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से कर रहे थे, पर सरकार जो उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही। आज उस भारी ठंड में लगभग 170 किसान भगवान को प्यारे हो गए, उसके जिम्मेदार कौन होंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं? जिनके घरों से वाइफ का सहारा चला गया या बच्चों का सहारा चला गया, उनकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री ने देखा कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान इस एजिटेशन में है, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये तो अपने आप भाग जाएंगे, परंतु दब राकेश टिकैत के आंखों में आंसू देखकर उत्तर प्रदेश का किसान और राजस्थान का किसान जैसे इस एजिटेशन में आया तो मोदी जी घबरा गए, फिर कहने लगे कि हम किसानों से एक फोन दूर हैं। ऐसा कौन सा फोन नंबर है? हमें तो मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किस फोन पर मिलेंगे और किसानों की बात सुनेंगे। पूरा हिंदुस्तान किसानों का है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहे हमारी जो पार्टी है वो किसानों की है, मजदूरों की, आम आदमी की पार्टी है। आज किसानों के साथ हम दिन रात खड़े हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के किसान हो, चाहे वो यूपी बिहार और राजस्थान के किसान हो, चाहे वो पंजाब और हरियाणा के किसान हो। अब आपने देखा 26 जनवरी की बात, किसान अपना एजिटेशन ट्रैक्टरों के द्वारा बड़ी शांति पूर्वक से कर रहे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा कि स्ट्राइक को हम कैसे फेल करें। उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों को, आरएसएस के लोगों को उसमें शामिल किया और जाके लाल किले पे चढ़ गए। और जो तिरंगे का अपमान हुआ उसके जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी का एक दीप सिद्धू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो और गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है और सीधा इसका उदाहरण मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी है, आरएसएस का। और मैं तो दो बार का मंत्री रह चुका हूँ हिमाचल प्रदेश का, तीन बार का विधायक हूँ,
मेरी कभी फोटो प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। फिर ये बोलते हैं किसानों को खालिस्तान के लोग हैं, ये उग्रवादी हैं। क्या हमारे हिंदुस्तान के किसान उग्रवादी बन गए या खालिस्तानी बन गए? वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे ब्लॉक स्तर पे, चाहे जिला स्तर पे, चाहे प्रदेश स्तर पे, चाहे राष्ट्र स्तर पे, हम किसानों के साथ हैं। किसान हमारे भाई हैं और किसान जो है आने वाले जनता है जो भारत को अनाज पैदा करके देती है, जो विदेशों में भी भेजते हैं, अन्नदाता हैं हमारे। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ना इतना कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री को चताना चाहता हूँ, हम किसानों के साथ हैं। क्या किसान 70 दिन के लिए बैठे, चाहे 200 दिन के लिए बैठे, चाहे 500 दिन के लिए बैठे, हिमाचल प्रदेश भी पंजाब और हरियाणा के साथ है। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रहेगी, उनका साथ देंगे। धन्यवाद।